नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं लाइट बीट। मैं तो बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग अभी कुछ दिनों से संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा हुआ खोटा किताब जो है, एक मुनि फूल, जो एक खोटा का कविता संग्रह है जिसमें बहुत सारी कविताएँ हैं, उसको भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम लोग थोड़ा थोड़ा खोटा जो हम लोग भूल रहे हैं और हमारी पीढ़ी जो भूलते जा रही है, उसको हम लोग याद करके रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है और अपने आगे के लोगों को सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो हम लोग का कविता है वो है, एखन तीन हांडी पानी एक हांडी नहीं भरे पा रहे। कहने का मतलब ये है कि अभी जो है तीन हांडी है लेकिन एक हांडी को नहीं भर पाता है। हांडी का मतलब आप लोग समझ रहे हो दोस्तों, जिस तरह घर में जैसे पानी खाना बनाने वाला जो बर्तन होता है, डेगची जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हांडी हम लोग बोल सकते हैं जो मिट्टी का बना हुआ होता है उसको हम लोग हांडी बोलते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहना है कि एक अभी एखन तीन हांडी जो है, तीन हांडी का पानी अभी एक हांडी को नहीं भर पा रहा है। आइए चलिए देखते हैं इसमें क्या कवि जी कहने की कोशिश कर रहे हैं। कंधे आवा हाला गाँव के मुखिया, बैसल देखलथिन एक बूढ़ी बड़ी दुखिया। चाल करलथिन एगो नानी, काहे तनी कहें तनी अपन राम कहानी। देखे यहाँ पे क्या है कि एक तरफ से मुखिया जी आ रहे थे, गांव के मुखिया जी है ना, वो रास्ते में आते थे, देखे कि बैठी हुई है एक बूढ़ी जो कि बहुत ही दुखी दिख रही है। ठीक है, तब मुखिया जी कहते हैं उसको कि एगो नानी, तनि बताओ अपना कहानी, तुम मतलब अपने कहाँ का क्या है वो पूछे यहाँ पे। ठीक है, तो आगे देखिए फिर। बूढ़ी की आँखें भर ली लोर, लूका फाटक नाय शोर घोर। सुबह सुबह के बूढ़ी कहल कहली बाइक, मुखिया रहल ताइक ताइक। उसके बाद जैसे ही मतलब बूढ़ी जो है, बूढ़ी का आँख जैसे इतना मुखिया जी बोले तो बूढ़ी का आँख पूरा लोर भर गया। ठीक है, और थोड़ा सुबुक आने लगी थोड़ा सा। ठीक है, और बल धीरे धीरे बोलने लगी और मुखिया जी क्या करने लगे, देखने लगे। ठीक है, अब आगे देखिए। अब बूढ़ी बोलती है कि कहियो बेटा हमार, जखन हमार चला हल जांगर। खाटी खूटी मानुस कर लूँ तीन बेटा, कहा हियो हमार ऊपर एखन बीत रहा है जेटा। देखिए यहाँ पे बूढ़ी क्या बोलती है, बूढ़ी दादी कहती है कि क्या बोले बेटा, जखन मेरा स्वांग चलता था, जखन जब मेरा शरीर था, ठीक है, तो खट उठ के किसी तरह से पाल पोस के अपना तीन गो बेटा को बड़ा किए। ठीक है, लेकिन अभी जो हम बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं जो हमार ऊपर अभी बीत रहा है, वही चीज़ है, हमार ऊपर एखन बीत रहा है जटा, कि का कहियो अभी मेरे ऊपर की बीत रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक समय एगो हांडी पानी तीन हांडी भर हले, एखन तीन हांडी पानी एक हांडी नहीं भर है। मुखिया कहलथिन सुन नानी, हमें नहीं अते ज्ञानी। तो देखिए यहाँ पे बूढ़ी दादी जो बोलती है, वो बोलती है कि एक समय था कि एक हांडी जो है पानी ला लगा के तीन हांडी को भर देता था। कहने का मतलब था है कि एक बूढ़ी जो थी वो अपना काम करके जैसे तैसे करके अपना क्या करती थी, तीन गो बेटा का पेट भर देती थी। हांडी कहने का मतलब यहाँ पेट को दर्शाया गया है कि एक बूढ़ी जो है अपना पेट काट के अपना क्या करती थी, अपने तीन बेटा का पेट पाल ली। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा समय आ गया है कि तीन हांडी, वो तीनों बेटा कमा करके भी अपने माँ का पेट जो है एक हांडी नहीं भर पा रहा है, अपने माँ का पेट नहीं भर पा रहा है, ये यहाँ पे कहना है। ठीक है, तो मुखिया जी कहते हैं, मुखिया जी कहते सुना नानी, हमें नहीं हो उतने ज्ञानी। तो मुखिया जी बोले कि आपका बात हमको नहीं समझ में आ रहा है, उतना हम ज्ञानी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए आप, बुझे न पा रहा है यो तुर भाषा, करियहन बेसी समासा। बातें कहें सोझा सोझी, जैसे सभी जाए बुझे। ठीक है, जो तो ये मुखिया जी बोलते हैं कि नानी बोल, हम आपका बात जो है, आपका बात अभी नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, आपका भाषा नहीं बुझ पा रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसको साफ साफ बोलें, मतलब नहीं आप जैसे तरह बोल रहे हो वैसे आपको नहीं समझ पा रहा है, बात कहें सोझा सोझी। ठीक है, थोड़ा सोच सोच बोलिए, थोड़ा सही सही बोलिए। ठीक है, जैसे हम लोग सब बुझ जाएँ। आगे फिर कहते हैं, अब फिर बूढ़ी बोलती है। ठीक है, बूढ़ी कहली धैन होवे बेटा, मने रखें कहा है यो सेटा। आम पाकले मीठा और मानस पाकले तीता। देखिए यहाँ पे कितना जो है
जबरदस्त बात यहाँ पे बोले हुए हैं। बूढ़ी दादी बोलती है कि धन है वो बेटा, मने रखें कहा ये सेटा, तुम बेटा धन हो, तुम मन में रखना अभी जो हम बोल रहे हैं। क्या बोल रही है कि आम पकले मीठा, अगर आम पकता है तो मीठा लगता है, लेकिन अगर मनुष्य पक जाए तो तीखा लगता है। बहुत ये लाइन जो है ना एकदम झकझोर देने वाला लाइन है। और मनुष्य जब पक जाता है तो तीखा लगता है, कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी के घर के माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो घर के बच्चों को ऐसा लगता है कि ये बूढ़ी चल बसे तो ही अच्छा है। तो वही है यहाँ पे बोले हैं कि आम पक ले मीठा और मनुष्य पक ले तीता। आगे है, हमर जखन चला हला स्वांग, सबे घरे हमर हले मांग, एखन हमें भूले चले मैं भैलू बेकार, से खातिर भैलू लाचार। मतलब जब इनका जब स्वांग इनका शरीर इसमें जब इनका बल था तब हर घर पे जो है क्या होता था, हर घर पे इनका मांग होता था, ठीक है। लेकिन अभी जो है अभी के समय में ये अभी बेकार हो गए, क्यों अभी भूले चलने नहीं पा रही है ना, शरीर अब बूढ़ा हो गया तो नहीं ना भूल जा रही है, से खतिर हो गई है, इसीलिए अभी अभी लाचार है। बेटा सब मानुष भेल एक से एक बोड़ो पद पहला, पर एक घर एक आनलो तीन गो बेटी, ताओ कहना तू देत दू गो रोटी। देखे यहाँ पे क्या बोल रही है कि बेटा सब तो मानुष भेज गया, बड़ा तो हो गया, ठीक है, एक से एक बड़ा बड़ा पद, मतलब हर कोई तीनों बेटा जो है एक से एक जगह में काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है। मैंने अपना क्या किया कि बेटा सबको शादी करके पर घर से तीन गो बेटी भी लाए, तीन गो बहू भी लाए, ठीक है, लेकिन छः गो हो जाने के बाद भी जो है ताऊ क्यों ना दे दो गो रोटी, इतना लोग होने के बाद भी हमको जो है कोई दो गो रोटी तक नहीं दे रहा है। आगे देखते हैं, सभी ने अपन अपन देखा हथ संसार, सुधे हमाही भेल हूँ बेकार, बोलो बेटा घर यदि रहियो दो चार दिन, ओकर परिवारिक मन होवे गेन। अब यहाँ पे देखिए बोलती है सब जो है अपना अपना काम में व्यस्त है, अपना अपना संसार देख रहा है, ठीक है, अपना बीवी बाल बच्चा ये सब देख रहा है, और माँ को भूल गया, और माँ को भूल गया, सुधे हम भेलूँ बेकार, ठीक है। बड़ो बेटा घर यदि रहियो दो चार दिन, ओकर परिवारिक मन, अगर किसी तरह से बड़ा बेटा का घर चले जाते हैं और दो चार दिन अगर रुक जाते हैं ना, तो उसका जो परिवार है मतलब बड़ी पुतो जो है उसका मन घिन हो जाता है, उल्टा सीधा बोलने लगती है और घिन करती है। हाथे भाड़ा देत थमाए, कहत एबे दूसर बेटा घर जाए, मझला बेटा के बड़ी रेस, ओकर बात हतोने शेष। देखिए यहाँ पे जो है ना, तो बड़ी पुतो क्या करती है, हाथ में भाड़ा दे देती है और बोलती है कि जाओ अब दूसरा बेटा घर जाओ, यहाँ पे तो रह ले, ठीक है। और मझला बेटा जो है उसका तो रेस, वो मतलब अलग तरह का आदमी है, वो पूरा रेसहा आदमी है, ठीक है, ओकर बात हो पैने से उसका बातें कहना बेकार है। माइक ना में आवे के जर, बात करे न शोर घोर, से खातिर जाए छोटो बेटा घर, वो करे तनी हमर, ठीक है। मतलब ये जो है मझला बेटा है, जैसे ही माइक सुनता है ना कि माँ आ रही है, तब जर का मतलब होता है बुखार, ठीक है, तुरंत उसको बुखार लग जाता है, ठीक है, और बात भी ठीक से नहीं करता है, इसीलिए अब क्या कर रही है, ये जा रही है छोटे बेटा का घर, ठीक है। और छोटे बेटा जो है तनी बोलती है नहीं, माई जो है वो हमार है, माई मेरे पास रहेगी। आगे देखते हैं, आगे है, हमर ऊपर दया होकर बेसी, मुद्दा बहु होकर भले उर्वशी, समय समय करे मनी ऑर्डर, हमें बेसी दिए चाहिए ना भर, ठीक है। देखिए छोट बेटा का जो है वाइफ जो है ना, उसका एकदम दया तो कर रहा है इस पर, ठीक है, लेकिन मुद्दा यह है कि उसका जो वाइफ है छोट पुतो जो है वो तो एकदम उर्वशी है भाई, समय समय पर मनी ऑर्डर करते रहती है, मतलब साज बाट अपना लंद फंद करते रहती है, खरीदती रहती है, और हम नहीं चाहते हैं कि उसका जितना जो खर्चा है उसके ऊपर और हम खर्चा बन जाए, भार यहाँ पे लिखा गया है। आगे है, जखन छोवा सबके कर हलिए मानूस, मने मने हवा हलूँ बड़ी खुश, सोचा हलूँ बुढ़ारी हते सहारा, मगर एखन भेल ही दिसहारा। देखिए जब ये बूढ़ी अपने एज में थी और अपने बच्चों को पाल करके बड़ा कर रही थी, तो मन में बहुत खुश होती थी, काहे खुश होती थी भाई कि मेरा तीन गो बेटा है,
अगर ये सब मेरा सहारा बनेगा तो क्या सोचा, बुढ़ारी में तीनों अगर सहारा बनेगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, ये सब सहारा का बेसहारा हो गया है, ये तो बूढ़ी बेचारी लाचार पड़ी हुई है और पगला गई है। बिहान से रहलू हेरी फेरी, दोपहर भेल पैलो ना एक मुठा खचारी, से खातिर कहा हे कि जय दुनिया भेल रीति नीति सभी मिटी गेल। बिहान से बेचारी इधर उधर देख रही है, दोपहर हो गया लेकिन एक मुठा खचारी तक का इनका नसीब नहीं हुआ है, इसीलिए बोल रही है क्या हो गया है इस दुनिया को, रीति अपना नीति संस्कार वगैरह सब जो है ख़त्म हो गया है। तीनों बेटा हंसी खुशी अमावरी खिला बोलूँ, आमा मारी खिया बोलूँ, ये सबके रहते दूगो रोटी के मोहताज भेलूँ, माने जरूर लागल हते हमार बखान, पहले जे कहलिए कहलियो हियाली महान। देखिए तीनों बेटा जो है ना हंसी खुशी मतलब अपना पाल खिलाने पिलाने में कमी नहीं की अपना तीनों बेटा का, हम मारे में थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आप लोग को समझ में आए तो आप लोग समझ लीजिएगा या फिर कहीं पे बुक वगैरह में खोज लीजिएगा, ठीक है। ये सब के रहते दूगो रोटी, और अभी जो है तीनों बेटा तो हंसी खुशी से बहुत कुछ खिलाई पिलाई सब कुछ की, ठीक है, लेकिन ये सब के रहते दूगो रोटी का भी मोहताज हो गया है अभी। अभी ऐसा हालत है कि बेचारा कोई दो रोटी भी इसको नहीं बेचता है, मने जरूर लागल रहता है हमारे बखान, मन में जरूर मेरा बात लगा होगा, पहले जो कहले हलिए हियाली मान, जो पहले जो मैंने आपको बात बताया, मुखिया जी को ये बोल रही है। अति कुन बुझे पारल हावे मुखिया जी, घरे के मांझे बुढ़ाए भेले सबसे पाजी, से खातिर नाती नतनी पोता पोती कहा हथ, पेट बिगाड़े भूड़ी और घर बिगाड़े भूड़ी। अभी देखिए अभी ऐसा का ये हो गया तो यही बोलती है कि अब तो बुझ गए होंगे मुखिया जी, हम क्या बोले, घर एक माँ जब बुढ़ाए भेली सबसे पाजे। अब अभी का जो है देखेंगे ऐसा संस्कार हो गया है कि कुछ बच्चे भी जो है मतलब कॉमेडी के भी जरिए से तो कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो बूढ़े लोगों से नफरत करते हैं संस्कार की कमी के कारण। तो वही कि यहाँ पर लास्ट लाइन जो है वो दिया गया है कि से खाते नाती नतनी पोता पोती कहा हाथ, पेट बिगाड़े बूढ़ी और घर बिगाड़े बूढ़े, कि पेट जो है वो बिगाड़ता है पूड़ी बिगाड़ता है, ठीक है, और घर को जो है बिगाड़ देता है बूढ़े। तो कहीं ना कहीं ये संस्कार है। तो ये कविता जो है ख़त्म हो गया। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार कविता था, आप देख सकते हैं कि इस कविता के माध्यम से लेखक ने यह तंज दिया है और ये दिखाने का कोशिश किया है कि कैसे जो है आज के समय में लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, कैसे है। तो इसमें कहने की कोशिश की है कि एक माँ थी जो पहले जो है अपना पेट काट करके तीन चार को बेटा को पाल लेती थी, लेकिन आज तीन चार बेटा जो है एक माँ को नहीं पाल पाता। तो ये कविता बहुत ही शानदार और बहुत ही मतलब हार्ट टचेबल है, अगर ठीक से पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।